क्या आपने कभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चाल पर गौर किया है? उनके बढ़ते कदम, स्विंग होता लेफ्ट आर्म और तेजी से आगे बढ़ता उल्टा पैर। टेक्निकली इस चाल को क्लियरली रिड्यूस्ड राइट साइडेड आर्म स्विंग कहा गया है। दिसंबर साल 2015 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने स्टडी पब्लिश की थी। इसमें यूरोप के न्यूरोलॉजिस्ट ने रूसी प्रेसिडेंट की वॉकिंग स्टाइल पर स्टडी की। तब पुतिन के इस अलग अंदाज को न्यूरोलॉजिस्ट की टीम ने कहा था, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक अजीबोगरीब गनस्लिंगर की चाल की तरह वॉक करते हैं। कहां से सीखा ये स्टाइल? रिसर्चर्स का अनुमान है, जब पुतिन सोवियत संघ के केजीबी में जासूसी करते थे, तब वेपन्स ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने इस तरह चलना सीखा होगा। रिसर्चर्स की माने तो केजीबी ट्रेनिंग मैनुअल के मुताबिक पुतिन का वॉकिंग स्टाइल उससे मिलता जुलता है। बता दें, पुतिन केजीबी में जासूस के पद से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे थे। केजीबी ऑपरेटर्स को बताया जाता है कि उन्हें अपने सीधे हाथ में वेपन टांगना है और एक साइड झुककर तेजी से उल्टा पैर बढ़ाकर चलना है। इससे चाल में तेजी आती है। तब रिसर्चर्स ने कहा था, प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव, रूस के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर एनाटोली सेरदेयोकोव और सेरेजेई इवानोव और एक मिलिट्री कमांडर को इस तरह की चाल में चलते देखा गया है। न्यूरोलॉजिस्ट बेस्टियन ब्लोएम ने इस स्टडी को लीड किया था। उन्होंने तब एक इंटरव्यू में कहा था, ये एक असामान्य स्टडी है, लेकिन ये न्यूरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत गंभीर सवाल है।